आप स्टडी करें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा कामयाब जो मूवमेंट चली है वो मोदी जी की चली। देखें आप उस मजहबी लेंस को छोड़कर देखें तो किस स्पीड के साथ इंडियन इकॉनमी ने तरक्की, किस तरीके, मेरा मतलब श्रीलंका को इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जा रही है तो भारत की तरफ से जा रही है, 500 बिलियन मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा वो दे चुके हैं। और कई ममालिक में मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे ग्रांटें देकर आते हैं, एड देकर आते हैं, वो हमारी तरह नहीं कि हम जहां जाते हैं तो मांगने जाते हैं। तो ओआईसी ने कितनी हमारी मदद की है, कोई मदद नहीं की। ओआईसी ने फलस्तीन के ऊपर तो इजलास बुला लिया, हमारे कहने पे तो बुलाते नहीं, इतने नाराज हो जाते, अरबी भाईजान नाराज हो जाते साढ़े तो। चाइना जो है वो बैक चैनल में शुरू से ये कह रहा है यार मामला ठीक करो, और ये सिर्फ चाइना नहीं कह रहा है, अरब्स भी कह रहे हैं यार ये मामला ठीक करें। मैं अगले दिन किसी के पास बैठा था, मैंने कहा आप इस चीज को हट के जरा देखें, दो चीजें फ्यूचर में पढ़ाई जाएंगी कि मोदी साहब ने और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वाजपेयी ने, नरसिम्हा राव ने और डॉक्टर जयशंकर ने भारत के लिए जो किया है ये फ्यूचर में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल एचडी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी और जो एस जयशंकर हैं उनका फैन हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों आपने ये तो पाकिस्तानी मीडिया में लगातार सुना होगा कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो आज दुनिया की सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि एक तरफ भारत जो है वो अमेरिका के साथ भी डील कर रहा है और दूसरी तरफ रसिया के साथ भी डील कर रहा है, और वही अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के साथ भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी हैं, लेकिन उसके बीच में जो ट्रेड है वो भी जारी है। यानी कि अभी जो है अभी के समय में बात किया जाए तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो दुनिया की सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, और इसका क्रेडिट जो है वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट और जो हमारे एस जयशंकर जी जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उनको जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने दोनों कंट्रियों के साथ पूरी दुनिया के साथ जो बैलेंस रिश्ता जो बनाया है आज उसका तोड़ जो है वो कोई दुनिया का कोई भी जो दुनिया का कोई भी जो लीडर है वो नहीं तोड़ पा रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान में ज़्यादा खलबली है कि क्योंकि पाकिस्तान जो कि आज पूरी दुनिया में तनहा हो चुका है उसको आज कोई पूछ नहीं रहा है, और दूसरी तरफ वही इंडिया है कि जहाँ पर भी कुछ भी बड़ा काम होता है तो वहाँ पर इंडिया को ज़रूर बुलाया जाता है, इंडिया का नाम ज़रूर आता है, और इसीलिए इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या कहना है। और मिडल ईस्ट को भी कठा लिया है, कश्मीर में उन्होंने इन्वेस्टमेंटें करा है। तो ये मैं अगले दिन किसी के पास बैठा था, मैंने कहा आप इस चीज को हट के जरा देखें, दो चीजें फ्यूचर में पढ़ाई जाएंगी कि मोदी साहब ने और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वाजपेयी ने, नरसिम्हा राव ने और डॉक्टर जयशंकर ने भारत के लिए जो किया है ये फ्यूचर में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, आप देखेंगे। दिस इज हाउ दे आर कमिटेड टू देयर कास। मैं हमेशा ये कहता था कि भारत के नेशनलिज्म और इकॉनमी इज ऑन स्टेरॉइड्स। उनके पास प्रोडक्ट है उनका, देखें मैं बल्कि यहां तक उनका मैं अगले दिन बात कर रहा था, उनके इंस्टीट्यूशन देखें, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देखें, कि वहां से बच्चे पढ़ के आके अमेरिका की हर फॉर्च्यून 500 का सीईओ इस वक्त इंडियन है और वो उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा। देखें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेडएक्स, पेप्सी, मास्टर कार्ड, देखें उनके इंस्टीट्यूशन कंपेयर करें जरा, और देखें ये उनका जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगले दिन मोदी जी दलाई लामा को लेकर लद्दाख चले गए सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। तो देखिए किस खूबसूरती के साथ हर चीज को मैनिपुलेट करते हैं। दूसरा, डॉक्टर एजाज ने किताब लिखी है, इस वक्त भारत जो है वो 67 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करता है चाइना से, लेकिन आई टू आई बॉर्डर पे दोनों साइड पे फौजें खड़ी। लेकिन ये कि इसमें पर्सनैलिटीज, लीडरशिप, हम तो सर हम तो आलू और टमाटरों की तिजारत भी नहीं कर सकते। नहीं, दुख वाली बात। हां साहब ने कहा था कि मैं आलू टमाटर की कीमत नहीं सेट करने आया, मैं तो कौम बनाने आया हूं। ये उनकी स्टेटमेंट थी कि मैं वजीर आजम आलू टमाटर के रेट नहीं, मैं तो कौम बनाने आया हूं। देखें अब कौम किस तरह बनती है। अमर बिन मारूफ है आप, अफगानिस्तान नंबर टू, मैं तो कहता हूं ये आपको कि टीएलपी नंबर टू है आप। इस वक्त पीटीआई का माइंडसेट जो है वो टीएलपी कौम तो कमाल की बन रही है। ऐसा इस वक्त जो है वो अचार बन रहा है कि क्या बताऊं मैं आपको। आखिरी बात ये कहूंगा, बल्कि जब कौम खुद पूछे कि हम खास साहब हम टैंकों के नीचे कब लेटेंगे, तो जब खुद कौम चाहे और टैंकों के नीचे लेटने के लिए, चाहे टैंक वहां खड़े या नहीं खड़े, उस कौम का कोई हल है आपके पास मौजूद?
और ऊपर वाला कह रहा हो कि भाई हज उमरा करने के लिए ना जाओ, पीटीआई के लिए काम करो यहाँ पे। जब ऊपर वाला ये कहो कि अमर बिन मारूफ है, हम हक पे हैं, सारा बातल है। जब वो ये कहे कि शिर्क है, पीटीआई को छोड़ना शिर्क है, तो आपकी डायरेक्शन क्या है? मैं सुनना चाहता हूं किसी से कि मुझे कोई बताए कि ये कहा है, इंक्लूडिंग चीफ साहब जिन्होंने कह दिया कि ये काम मेरी इबादत है। और यार कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इंटरप्रेट करो यार, सुप्रीम कोर्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन तो लॉ को इंटरप्रेट करना है। इसमें इबादत कहां से आ गई और इसमें दूसरी चीजें कहां से आ गई? लेकिन देखिए ना, माइंड सेट, वो कौम को वही सुनाते हैं जो सुनना चाहती है, और बिक रही चीज है, बिक रही, लेकिन अंजाम किसी ने फलस्तीन के ऊपर तो इजलास बुला लिया, हमारे कहने पे तो बुलाते नहीं थे, नाराज हो जाते, अरबी भाईजान नाराज हो जाते साढ़े तो। चाइना जो है वो बैक चैनल में शुरू से ये कह रहा है यार मामला ठीक करो, और ये सिर्फ चाइना नहीं कह रहा है, अरब भी कह रहे हैं यार ये मामला ठीक करें, आप अपनी चीजें ठीक करें। तो वो समझ रहे हैं कि भाई आप चीजों को बेहतर करें, ठीक है जी। इकवाम मुतहदा खामोश, ना ही किसी का इंटरेस्ट है, अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब हम अमेरिका को या यूरोप को या इन दुनिया को कह सकते थे कि हमारी कश्मीर में मदद करें, दैट वॉज द टाइम ऑफ 2003, 4, 5, 6, उस वक्त कह सकते थे, आज नहीं कह सकते। उस वक्त उनको हमारी जरूरत थी, तो हम इंडिया के ऊपर, उस वक्त इंडिया का इतना क्लाउड भी नहीं था, इंडिया खुद मारा मारा फिर रहा था, अमेरिका सैंक्शंस लगी हुई थी, और इंडिया को थोड़ा मेंटेन वो करने के लिए, इंडिया को थोड़ा मेन स्ट्रीम करने के लिए, उस वक्त 2005 में जो प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील कर रहे थे, तो इस तरह की चीजें थी। तो अभी प्रेशर था उस वक्त एक माजी की, इंडिया नई नई न्यूक्लियर सैंक्शन से बाहर निकला था हमारी तरह, तो हमने वो टाइम तो गवा दिया, क्योंकि उस वक्त एक डिक्टेटर बैठा हुआ था, और डिक्टेटर को अपनी लेजिटिमेसी से गर्ज होती है, लेकिन डिक्टेटर को और चीजों वो तो समझता, मनो मान लो कि मैं ठीक हूं। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी अच्छी है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बौखला जाता है, और जब भी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का स्टडी करता है तो पाकिस्तान को ये बात पूरी तरीके समझ में आता है कि आज पूरी दुनिया का सबसे अच्छा जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया का है। और दोस्तों हमारे जो इंडिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको पता ही होगा कि वो कौन से लोग हैं, जो कि मोदी जी का विरोध करते करते वो इंडिया की विरोध करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि जो इंडिया है उसको कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन जब दुश्मन की मुंह से ये बात सुनते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि जब दुश्मन तुम्हारी तारीफ़ कर रहा है तो इसका मतलब की बात सही है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चाइना भी इस बात को मानता है कि जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है उसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि उसका साफ तरीके से ये भी कहना था कि आने वाले दिनों में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एस जयशंकर हैं, उनको किताबों में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात होगी तब इन दोनों लोगों का नाम जरूर आएगा। और ये बात अमेरिका ने भी कई बार कह चुका है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो दुनिया की सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी है। और दोस्तों हम पाकिस्तानी मीडिया जैसे नहीं बात करते कि ISI दुनिया की नंबर वन है, क्योंकि हमने करके दिखाया है, ISI ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कि कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल HD को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।